संस्कार डाला जाता है कि हमें दूसरे से आगे बढ़ना है और इतना ही नहीं उसे पीछे हटा करके आगे बढ़ना है। इस प्रवृत्ति को लैग पुलिंग कहते हैं। इसी से यह प्रवृत्ति हमारे जीवन में आती है। महत्वाकांक्षाएं हमारे जीवन का विकास भी करते हैं, लेकिन अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना और प्रतिस्पर्धा में चले जाना ये हमारे जीवन के लिए दुखदायी है। बचपन में बेटा पैदा होता है तो बड़े लोग परिवारजन कंपेयर करते हैं कि बाजू वाले के तो जब हुआ था तो 8 और 9 पाउंड का था, मेरा तो 7 ही पाउंड का हुआ है। यहां से हम उस छोटे से बच्चे को कंपटीशन में डालते हैं और फिर पूरे जीवन उसे दूसरे को डिफीट करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। संस्कार तो पुराना रहता ही है जो कि वर्तमान में थोड़ा सा सहारा पाकर के व्यक्ति के भीतर और अधिक दृढ़ हो जाता है और फिर एक बार व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन में उस दौड़ में शामिल हो जाता है तो ये दौड़ अंतहीन है, इसका कहीं कोई पार नहीं है। फिर इससे जुड़ी हुई एक और स्थिति निर्मित होती है कि फिर दूसरे को आगे बढ़ते देख करके मेरे भीतर बहुत पीड़ा होती है। मेरा पीछे रह जाना मेरी पीड़ा का कारण बनता है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर दूसरे का आगे बढ़ जाना भी मेरी पीड़ा का कारण बनने लगता है इस प्रवृत्ति के, इस महत्वाकांक्षा और झूठी प्रतिस्पर्धा के वजह से। आज अगर आंख खोल करके देखेंगे तो चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक हो और चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, सब में यही प्रवृत्ति, क्योंकि लोग तो वही हैं। वे भले ही धर्मात्मा का लेबल लगा करके धर्म क्षेत्र में आ गए हों, लेकिन है तो वही प्रवृत्ति। तो वह प्रवृत्ति देखने में धार्मिक स्थानों पर भी आती है कि हाउ टू डिफीट अदर्स, मैं दूसरे को कैसे डिफीट करूं, मैं आगे कैसे बढ़ूं, यह तो फिर भी ठीक था मैं, लेकिन दूसरे को कैसे उससे हटाऊं और फिर मैं अपनी लाइन बड़ी करना, फिर भी ठीक है लेकिन नहीं कर पाए तो दूसरे की मिटा करके अपनी बड़ी करने की प्रवृत्ति इसी झूठी महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा से निर्मित होती है जो हमारे दुख का कारण है। आसपास भी हम दुख फैलाते हैं और अपने जीवन को भी दुखी बनाते हैं अपनी इस मिथ्या प्रवृत्ति के द्वारा। इस अंधी दौड़ से कोई नहीं बचा है, शावक भी नहीं बचा, साधु भी नहीं बचा। बात स्पष्ट कह रहा हूं। और यह जो अंधी दौड़ है यह संसार बढ़ाने वाली दौड़ है, एक ऐसी महत्वाकांक्षा जिसमें प्राणी मात्र का कल्याण हो और मेरा भी हो, ये फिर भी ठीक है लेकिन सिर्फ मेरे सुख सुविधा के लिए मैं प्रतिस्पर्धा में उस दौड़ में शामिल हूं और दूसरे का जरा भी ख्याल न रखूं, ये चीज हमारे अपने दुख के लिए स्वयं कारण बनती है। एक बुजुर्ग अपने घर के बाहर बैठे हैं, बहुत उदास हैं। एक नवयुवक उनके सामने से गुजरता है तो उन्हें उदास देख करके पूछता है कि क्या हुआ बाबा। बोले बेटे तुम्हें नहीं मालूम कैसा तो
समय आ गया, सब कुछ मेरा जो भी था वो नष्ट हो गया, मवेशी थे, जानवर थे, वे भी रोग ग्रस्त होकर के कैसी महामारी फैली कि परिवारजन और सब कोई नहीं रहा, सारा सामान भी लूट गया। दुख का यही कारण है। नवयुवक ने मन में सोचा कि लगता तो यही है, शायद इसी वजह से दुखी है। तो नवयुवक ने कहा कि इस गांव में ऐसा तो बाबा सबके साथ हुआ। सबके साथ हुआ कैसा? बोले सबका ऐसा ही लूट गया है। सबका लूट गया क्या? तो अब बाबा जी थोड़ी राहत की सांस ले रहे। और फिर बाबा जी ने कहा कि क्या मेरे पड़ोसी का भी ऐसा ही हुआ? तो उस नवयुवक ने सोचा कि कितने दयालु हैं ये बुजुर्ग, बार अपने पड़ोसी के बारे में भी जानना चाहते हैं। लेकिन जब उस नवयुवक ने कहा कि हाँ बाबा आपके पड़ोसी का भी सब लूट गया, तो बाबा के चेहरे पर जितनी उदासी थी वो गायब हो गई और बाबा अत्यंत प्रसन्न हुए कि कोई बात नहीं, जब उसका भी लूट गया तो फिर तो मेरे लूट जाने की पीड़ा उतनी नहीं है। इस प्रवृत्ति को आप क्या मानेंगे? अच्छा मानेंगे? तो करते तो आप भी हैं, करता तो मैं भी हूं। फिर जब अपन इन चीजों को अच्छा नहीं मानते तो करते क्यों? मैं ये सोच रहा हूं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि यदि यही सब हम जानते हैं तो फिर इस जानने का मतलब क्या हुआ? जो हम जानते हैं कि अंधी दौड़ है और इसमें एक दिन जाकर के हम गिरेंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, फिर क्यों हम इस दौड़ में शामिल होते हैं? हम क्यों दूसरे से कंपटीशन करते हैं कि उसके घर में इतनी चीजें हैं तो मेरे घर में भी होनी चाहिए, मुझे कितनी आवश्यक है ये क्यों नहीं मैं देखता हूं? मैं क्यों दूसरे से हर चीज में उसको पीछे हटा करके, उससे गिरा करके और आगे बढ़ना चाहता हूं? क्यों नहीं मैं हर व्यक्ति से कंधा मिला करके और उसके आगे बढ़ने को ही अपनी प्रसन्नता का कारण मान करके उसे और आगे बढ़ने में मदद क्यों नहीं करता? पता नहीं हमारे भीतर